माउंटेन बाइक के ऊपर चलते हैं और चेक करते हैं एक्शन 4 कैमरा की स्टेबलाइजेशन। चेस्टी बेल्ट लगा रखी है मैंने। टाइल्ड सड़क है, उसके ऊपर से निकल रहा हूँ मैं। थोड़ी सी शेकी राइड होती है। सन इतना ब्राइट नहीं है क्योंकि क्लाउड्स हैं। ये सड़क जो है रफ है, जैसी पहाड़ों में मिलती है वैसे। एक्शन कैमरास बने ही एक्शन के लिए हैं, साइकिलिंग, मोटरसाइकिलिंग और कोई रफ राइड्स हो उनके लिए। क्या हाल है सुखी? ठीक ठाक। रफ एंड टफ ट्रैवलर्स या व्लॉगर्स, उनके लिए परफेक्ट कैमरा है, कॉम्पैक्ट कैमरा है। तो मेटल रोड के ऊपर साइकिलिंग है, तो यहाँ की स्टेबलाइजेशन डिफरेंट है। अब चलते हैं अनमेटल रोड के ऊपर, यानी कि कच्ची सड़क। अब यहाँ पर पता चलेगा रॉक स्टेडी मोड, जो बेसिक मोड है इसका स्टेबलाइजेशन का, ऑस्मो एक्शन 4 का। ये चेक करते हैं, बाकी जब माउंटेन बाइक आप ऐसे सड़कों पर चलाते हैं ना तो बहुत बढ़िया स्मूथ चलती है साइकिल। रीज़न क्या है, टायर्स की जो ग्रिप है ना परफेक्टली काम करती है। और ऐसी पगडंडियों पर साइकिल दौड़ाने का मज़ा ही कुछ और है। इसके ऊपर आप पैदल भी चलेंगे तब भी बड़ा आनंद आएगा, और साइकिलिंग तो लाजवाब। एग्रीकल्चर बेल्ट है ये, मेरे गांव के आसपास का एरिया। लेफ्ट और राइट पॉपुलर की नर्सरी लगा रखी है, यहाँ से मुड़ते हैं। एक्शन कैमरा के लिए चेस्टी बेल्ट बहुत ज़रूरी है। मेरे पास गोप्रो की ये ऑलरेडी पहले परचेज की हुई थी, जब मैंने गोप्रो हीरो 8 ख़रीदा था। बट अनफॉर्चुनेटली गोप्रो इंडिया में सक्सेसफुल नहीं है। सबसे बड़ा इशू है हीटिंग इशू और फ्रीज होना, बहुत हेडेक्स क्रिएट करती हैं ये चीज़ें गोप्रो में। तो इसीलिए मैंने अब DJI एक्शन कैमरा 4 लिया, और जो गोप्रो हीरो 8 था एक साल ही बड़ी मुश्किल से चला, उसका IC जल गया। तो मैं चंडीगढ़ ले गया था उसको, अभी थैंक्स एंड आई अप्रिशिएट हमारे मैकेनिक्स, बड़े ब्रिलियंट है, उन्होंने कैमरा खोल दिया पूरा और फॉल्ट भी फाइंड किया गोप्रो में, ये वाला फलाना IC जो है जल गया है और इंडिया में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। ये बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है, इन कैमरों के साथ रिपेयर नहीं मिलती। यूज़ एंड थ्रो वाले टाइप कैमरे हैं, बट हम भारतीयों के लिए रेंज जो है बड़ी एक्सपेंसिव है। वहाँ तो $400-500 का आता है, चलो वो गोरे मैनेज कर लेते हैं, इतना अमाउंट उनके लिए तो 400-500 रुपये हो गए ना वहाँ के। लेकिन हमें 50-50 हज़ार खर्चने पड़ते हैं। अब GoPro की बैटरीज़ और बैटरी चार्जर और एक्सेसरीज़ वेस्ट हो गई हैं, तकरीबन 20 हज़ार खर्चा हुआ था मैंने GoPro की एक्सेसरीज़ पर। दे आर यूज़लेस नाउ, सिर्फ चेस्टी काम आएगी बस।